brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ पे लता मंगेशकर ने मेरे वतन के लोगों से जो है यहाँ गीत गाया था और उसके बाद जय जवान जय किसान का भी नारा यहाँ लगा और आपने देखा कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन्म इसी रामलीला मैदान से हुआ। लेकिन अब 11 बजे का समय दिया गया है जब तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हुंकार मोदी सरकार के खिलाफ भरने की कोशिश है। लेकिन बहुत दिलचस्प है जो सियासी संदेश ये रामलीला मैदान आज दे रहा है वो पोस्टरों से बयां हो रहा है। अंजना, पीछे आप देख रहे हैं, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार का सबसे बड़ा डर बताया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। आगे सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स आपको नजर आ जाएंगे। दाएं और बाएं सेंटर स्टेज में आम आदमी पार्टी के झंडे और कार्यकर्ता, दाएं और बाएं आपको इंडिया ब्लॉक का बैनर नजर आ जाएगा जिसमें केजरीवाल साहब की तस्वीर सबसे प्रोमिनेंट नीली शर्ट में है और संदेश यहाँ पे सीधे आम आदमी पार्टी दे रही है कि ये हमारे नेता को के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसकी रैली है। कांग्रेस कह रही है एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है। तो देखना होगा कि क्या समीकरण बैठा पाता है ये इंडिया ब्लॉक। हालांकि मंच पे अगर आप नजर दौड़ाएं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो लोकतंत्र बचाओ, यही बार बार जयराम रमेश दोहरा रहे थे कि ये लोकतंत्र बचाओ रैली है, इंडिया ब्लॉक की रैली है जिसमें ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग नहीं हो पाई लेकिन वो अपना प्रतिनिधि भेज रही हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर एक पोस्टर भी आया है जो कहता है ठगों का मेला, लेकिन उसमें शरद पवार की तस्वीर नदारद है। तो बहुत सारी कहानियां एक रैली कह रही है और देखना होगा कि क्या समीकरण मंच पर भी नजर आते हैं जब राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ एक साथ मंच साझा करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी खिलाफत करते हुए आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया।